हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनबीएस जेएसए की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है 2024 में, उसके लिए एनबीएस जेएसए का आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि सर इसका कट ऑफ कितना जाता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गया था आपका 2022 में, और उसके लिए यहाँ पर कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँ कि देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको कैसे मिलेगा आपको और मैं कहां से आपको इसकी प्रिपरेशन कराने वाला हूं। ठीक है, इसमें हम बेसिकली 2022 का कट ऑफ देख लेंगे। इससे पहले 2019 में ये एग्जाम हुआ था उसकी भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा और इसमें क्यों कट ऑफ अलग गई थी और इसमें क्यों कट ऑफ अलग गई थी उसका भी मैं सिनेरियो यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं एज अ जेएसए अपॉइंटेड हूँ नवोदय विद्यालय में, तो आपको सही और अच्छे तरीके से जानकारी दे सकता हूँ। ठीक, चलिए तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, और भी वीडियोज है जो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर अगर आपको इसके मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है कि इसके लिए हम तैयारी प्रिपरेशंस कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए आप क्या टेस्ट बुक ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। वहाँ पर आपको एनबीएस के एमटीएस 2020 में टू में इसके जो मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर भी आपको इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी पूरी देखिए, जेएस हो गया, फीमेल रजिस्ट्रार हो गया, टीजीटी, पीजीटी, मेस हेल्पर हो गया, इसके अलावा लैब अटेंडेंट हो गया, इसके अलावा कैटरिंग असिस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, सारे आपको टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एक पास में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी आप जो 700 रुपये का पास है आपको 599 में मिल जाएगा, जिसके लिए आप मेरा कूपन कोड V1NW47 जो दिख रहा है ये डाल देंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपको परचेस करना है तो आप कर लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपके टेस्ट, जैसे आप अगर आपको जूनियर जैसे की तैयारी करनी है तो ये टेस्ट है आपका, टेस्ट बुक की एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन ये यूट्यूब पर, लैपटॉप पर भी आपका ओपन हो जाएगा, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्यू टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके टोटल टेस्ट बताएगा, 130 टेस्ट है जिसमें 85 चैप्टर टेस्ट है, 5 प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको, 30 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल लेंथ के टेस्ट जो कि आपका होने वाला है। ये 2024 को इसकी लास्ट अपडेट की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर है, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर से आएगा, यहाँ पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे 2019 में जो 3 शिफ्ट में होते और इसके अलावा 17 में होते, और 2022 में भी इसका पेपर हुआ था, वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। वो कहाँ पर कराऊंगा वो भी था। ठीक है, तो जिसको भी परचेस करना है वो क्या करना, इस कूपन कोड को डाल देना, जिससे आप इजीली तैयारी कर पाएंगे और मॉक टेस्ट देने पता चल जाएगा कि पेपर किस तरीके का था, किस लेवल का था। ठीक है, चलिए, और आपको मालूम है जैसे कि जो वैकेंसी मैंने सारी डिटेल इस वीडियो में दे दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, जाके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जैसे कि ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया और हर पोस्ट के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जैसे एमटीएस के लिए, मैस हेल्पर के लिए, कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, क्या क्या पोस्ट होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, तो आप इस वीडियो को भी देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे द्वारा जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों, वो जो आपका मेरा सेकेंड चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर GK, जहाँ पर मैं जो आपको GK GS की तैयारी कराता हूँ, कंप्यूटर वगैरह की क्लास देता हूँ, तो वहाँ पर मिलेगी, तो इसको फॉलो जरूर कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे ऑफिस का वीडियो आप देख सकते हैं जाके, वीडियो क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, और वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे में एज ए सीनियर क्लर्क अपॉइंट हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है। ठीक है, टेलीग्राम दिखा देता हूँ, ये देखिए ये टेलीग्राम है मेरा, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ढेर सारी अपडेट्स में डालते रहता हूँ। ये देखिए अभी वीडियो डाला था, और एक ये प्लेलिस्ट डाली हुई है, यहाँ पर सारे आपके एनबीएस के 175 वीडियो मेरे डाले हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में होते, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इसे भी जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये प्लेलिस्ट है मेरे जो मेन चैनल है द एग्जाम पर, वहाँ पर जाएंगे मिल जाएगा, इसमें 175 वीडियोज हैं, 174 वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर पूरी जानकारी है कि इससे पहले की प्रोसेस क्या हुई थी, कैसे रिजल्ट आता है, कैसे कैसे पेपर हुआ था, पूरा पेपर का मैंने वो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, रिव्यू बनाया हुआ है, एनालिसिस की पेपर में क्या क्या पूछा गया, पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, जाके एक बार इस प्लेलिस्ट को देख लेना, काफ़ी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं आगे आने वाले वीडियोज में भी आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, और इस चैनल पर आपको GK की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो इसको फॉलो जरूर कर लेना। ऑलरेडी मैं EMRS वगैरह के लिए और KVS वगैरह के लिए भी मैंने तैयारी कराई हुई। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कट ऑफ की कट ऑफ क्या गई थी, और ये है आपका पेपर, ये 2019 की ऑल 3 शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ये दिख रहा है ऑल 3 शिफ्ट का पेपर है, तो ये मैं आपको पेपर कराऊंगा, ये कहाँ पर कराऊंगा, जो मेरा सेकंड चैनल बताया मैंने द एग्जाम हेल्पर GK, यहाँ पर कराऊंगा, तो इससे जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या देख लेते हैं अपना एनबीएस जेएसए का 2022 में जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें फाइनल कट ऑफ क्या लगी थी सिलेक्शंस के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको
बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल पीडीएफ है एनबीएस की, जहाँ पर 13/4/2023 को ना 17 को आया था, हालांकि पहले 13 थी, फिर 17 को इसका रिजल्ट आता है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टोटल 622 पोस्ट थी जो कि आपकी जेएसए के लिए थी, ठीक है? इस वीडियो में केवल मैं जेएसए के कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, ये 2022 का कट ऑफ है, ध्यान रखना जेएसए 2022 वाली पोस्ट का कट ऑफ है। इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जेएसए 2019 में क्या कट ऑफ रही थी वो बताऊंगा। इसके बाद ऑल अदर आपकी जितनी भी पोस्ट है, एमटीएस वगैरह, एएसओ वगैरह, उनके भी कट ऑफ मैं आपको वन बाय वन करके शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को नीचे से सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए 622 पोस्ट थी जिसके लिए रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आया था। ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये आपका मेरिट वाइज है, यानी कि जिसके जितने नंबर हैं, नंबर वाइज है, ठीक है? जिसके जितने नंबर है उसको ऊपर टॉप पर रखा गया है। जैसे ये धर्मेंद्र कुमार मीणा है, ये एसटी कैटेगरी से आते हैं और इनके जो नंबर है वो 133.903, यानी कि लगभग लगभग 134 नंबर इसके हैं, इनके हैं। और जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2022 में, वो टोटल जो मार्क्स थे वो थे 130 मार्क्स का। अब आप बोलोगे 130 मार्क्स का पेपर है, 134 नंबर कैसे आ रहे हैं? तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हुआ था नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि दो शिफ्ट में ये पेपर हुआ था और पेपर में काफ़ी हद तक वेरिएशन देखने को मिला हुआ था। जैसे सुबह की एक फर्स्ट शिफ्ट थी, एक सेकेंड शिफ्ट, ये मॉर्निंग थी और ये आपकी, ये मॉर्निंग शिफ्ट, ये डे शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में किसी बच्चे के कितने नंबर हैं, ये सॉरी, मॉर्निंग शिफ्ट में किसी बच्चे के 89 नंबर है और यहाँ पर किसी बच्चे के 67 है, तो इसका सिलेक्शन हो गया, इसका नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेपर इसका थोड़ा सा सिंपल था और इसका थोड़ा हार्ड आ गया, इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर 130 नंबर का होने के बावजूद भी 134 नंबर इस बंदे को दिए गए, ये पूरा हुआ नॉर्मलाइजेशन के कारण, ठीक है? सेकंड पर है नरेंद्र गुर्जर, ये मेरे फ्रेंड है जो कि अभी अजमेर में पोस्टेड है, ठीक है? ये नरेंद्र भाई है हमारे, इनके भी देखिए 133.903 है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि 130 में से 133 कट हो गया। ये इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। मान के चलिए अगर इनके 120 115 नंबर थे तो इनके 15 से 20 नंबर, किसी किसी के 30 से 35 नंबर तक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले थे हमें नॉर्मलाइज के थ्रू, ठीक है? तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे अब देखिए यूआर का अगर हम नॉर्मल देखें तो 124 भी दिख रहा है, 122 भी दिख रहा है, 121 भी दिख रहा है, ठीक है? तो 130 में से जो लास्ट ईयर अगर हम एक एवरेज कट ऑफ मारें तो 115 से ले मतलब 110 से लेकर 115 के बीच में जिनके भी मार्क्स थे वो सभी यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते क्योंकि उनके नंबर यहाँ पर बढ़ते हुए आए थे, ठीक है? तो लास्ट अगर हम यूआर की कट ऑफ देखें कि लास्ट यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी, तो देख मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट यूआर की कट ऑफ कितनी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या नीचे भी बताऊंगा कि लास्ट यूआर की कट ऑफ कितनी थी, क्योंकि ये क्या, ये एक्चुअली में कैटेगरी वाइज नहीं है, ये जो है ये आपके नंबर वाइज है कि किसके कितने नंबर हैं उसके हिसाब से ये लिस्ट आई हुई है, ठीक है? जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये वीडियो पीडीएफ काफ़ी लंबा है दोस्तों, ठीक है? मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लीजिए। जैसे ओबीसी का देखिए, ओबीसी का जो सिलेक्शन है वो 109.55 पे हुआ है। कितने पर देखिए, ऊपर आपको ओबीसी नहीं दिखेगा, तो ओबीसी का कितने पे हुआ है भाई, तो 109.55 पे जो हाईएस्ट बंदा है ओबीसी में नंबर लेके आया था 109 नंबर, ठीक है? इसके बाद मिनिमम देख लेंगे, एससी का जो बंदा है वो 104.46 हाईएस्ट लेके आया था, ठीक है? और एसटी का तो 133.90 लेके आया था। इसके अलावा यूआर में और देखेंगे, देखिए एक्स सर्विस में ये पीएच वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके 94 कट ऑफ गया था। इसके अलावा फिर से देखिए ओबीसी आया तो इसके 84 थे, ठीक है? तो हाईएस्ट कितना गया था, 109 गया था, ठीक है? इसके बाद एससी के और कम होते जाएंगे। अब मैं मिनिमम कट ऑफ बताया था आपको कि मिनिमम कितनी गई, हाईएस्ट मैंने बता दी लगभग आपको, ठीक है? अब हम मिनिमम देख लेते कि मिनिमम कितनी कट ऑफ गई थी यहाँ पर, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की भी कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको देख लेता हूँ, ऊपर से ही दिखाना पड़ेगा फिर आपको कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है? ई डब्ल्यू एस हम फाइंड कर लेते हैं इसमें कि ई डब्ल्यू एस के लिए कितनी कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिली हुई थी। ये लीजिए ई डब्ल्यू एस आ गया आपका, ठीक है? तो पहला ये है, तो 79 देखिए आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि पहला नहीं है, एक सेकंड, पहला यहाँ पर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है? तो देखिए 79 जो है ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ लगी थी, ठीक है? कितनी लगी थी ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ दोस्तों, 79 कट ऑफ लगी थी, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं 79 जो है ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है? ओबीसी की मैंने बताई कितनी थी, ओबीसी देख लेते हैं अपन, 109 थी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए ओबीसी की मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितनी कट ऑफ हुई है। देखिए ओबीसी की 109 गई थी अपनी, ठीक है? ओबीसी की हाईएस्ट 109, ई डब्ल्यू एस की 79। अगर हम बात करें एससी की कितनी गई, जनरल की तो मैंने बता दी 133 गई थी, ठीक है? एससी की कितनी गई है हाईएस्ट, एससी की मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए
यहाँ से एससी, ये रहा 104, ठीक है, हाईएस्ट गई एससी की। एसटी की अगर हाईएस्ट की बात करें तो एसटी की कितनी गई है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए एसटी की मैं आपको दिखाएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए 84 जो है हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर गई थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो किससे कम गई है, एसटी से भी कट ऑफ कम गई है ईडब्ल्यूएस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी। अब अगर हम मिनिमम कट ऑफ देखें तो मिनिमम के लिए हमें लिस्ट के नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लिस्ट के नीचे चलते हैं मिनिमम कट ऑफ के लिए, यहाँ से हम नीचे चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, 37 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, उसमें कम से कम रिजल्ट है बहुत से लोगों का, ठीक है। देखिए ये हम नीचे आ गए सबसे, तो देखिए और यहाँ पर मैं ये एक्स सर्विसमैन वाले हैं, अगर आप में से कोई एक्स सर्विसमैन का हो तो पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब देखिए ये है 68 नंबर एसटी का लास्ट कट ऑफ गया था, ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 68 आपका जो कट ऑफ है वो गया हुआ था, ठीक है, 68 आपका कट ऑफ गया हुआ था अगर एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर वहीं मैं इसके ऊपर देखूं और कौन सी कैटेगरी हमें देखने को मिलती है एसटी के ऊपर, एससी मिलती है, एससी का कितना गया था, 71 गया था, ठीक है, एससी का कितना गया दोस्तों, 71 कट ऑफ हमें देखने को मिली है एससी की, ठीक है, एससी की 71। चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जिससे आपको ईजी आसानी होगी, ठीक है। यहाँ से देखिए एसटी एससी, ठीक है, यूबीसी यूडब्ल्यूएस और यूआर, चलिए तो हमारा एससी का कितना गया, 71.03, एसटी का लास्ट जो गया था आपको देख रहा है 68, 68 और 71, ठीक है, यहाँ पर 68 कट हो गया, यहाँ पर 71, मैं पॉइंट को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसके अलावा और देखें कि और कौन सी कैटेगरी है जिसका मिनिमम कट हो गया, यहाँ से कट ऑफ की शुरुआत होती है, ठीक है, कट ऑफ की शुरुआत से हमें अंदाजा लग जाएगा कि कितने पे कट ऑफ जा रही है। देखिए ईडब्ल्यूएस की 75, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, 75, ठीक है, 75 गई ईडब्ल्यूएस की। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हमें क्या देखने को, ओबीसी की 75 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 75 ले रहा हूँ राउंड फिगर में, ओके चलिए, और यूआर की हम मिनिमम देख लेंगे, वो यूआर की मिनिमम कितनी गई हुई है। चलिए यहाँ से यूआर यूआर यूआर, ठीक है, बहुत बड़ी पीडीएफ है दोस्तों, तो फाइंड करना पड़ता है थोड़ी चीज़ें, मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, आप इसे आसानी से देख लेना, मैं आपको समझा दिया कि किस तरीके से रिजल्ट है, ये नंबर वाइज रिजल्ट है, जिसके जितने ज़्यादा नंबर उसको उतना ऊपर, जिसके जितने कम उसको उतना नीचे रखा गया है, ठीक है। यू आर का हम लास्ट देख लेते हैं कितना है लास्ट, ओके हाँ ये देखिए 79.5 यू आर की लास्ट कट ऑफ है, कितनी है, 79.5, तो आप यहाँ पर 79 है बोल लो या 80 बोल लो तो ये आप मान सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ गई हुई है, एसटी की 68 से कट ऑफ होती है, एससी की 71 से, ओबीसी की 75 से, ईडब्ल्यूएस की 75 से और यूआर की 80 से, 130 में से जो विद्यार्थी 80 नंबर लाया था उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। हो सकता है इसके नंबर 70 हों और इसका सेकंड शिफ्ट पेपर हो, 10 मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, तो ये भी यहाँ पर संभावना है, ठीक है। तो 130 में से, ठीक है, मैंने बता दिया, इसका फोटो ले लेना आप कि 130 में से कितना क्या होता है, ओके चलिए मैं आपको आपके लिए इसको दे देता हूँ यहाँ से, ओके चलिए। तो देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या क्या सिनेरियो होने वाला है, ठीक है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना, टेलीग्राम बताया दिया मैंने द एग्जाम हेल्पर, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत, अब अगली वीडियो में हम 2019 का कट ऑफ देखेंगे, वहाँ पर आपको बताऊंगा कि 2019 में किस तरीके से लिस्ट बनी थी, किस तरीके से कट ऑफ आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। मैं इस टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाल देता हूँ, यहाँ से जाके आप इसे जो है अवेल कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए आपके सामने ही इसको मैं डाल देता हूँ, ओके लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने डाल दी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एनवीएस जैसे 2022 फाइनल कट ऑफ, ठीक है, और ये फाइनल कट ऑफ थी टाइपिंग के लिए, इसके टाइपिंग के लिए इसकी थोड़ी कम कट ऑफ गई थी, ठीक है। चलिए ये आप यहाँ से पीडीएफ इसको देख सकते हैं, और पेपर का मैंने बता दिया, पेपर आपको मैं कहाँ कराऊंगा, इस चैनल पर, द एग्जाम हेल्पर जी पर, शाम को आपको मैं पूरा पूरा पेपर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए चैनल पर जुड़ जाइएगा, इससे भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जितने भी मेरे चैनल्स वगैरह हैं सब पे आप जुड़ जाइए, ठीक है, चलिए है ना, ये टेलीग्राम है और ये मेरा मेन चैनल है द एग्जाम पर, इसमें जुड़िएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों आपका कोई भी डाउट है ना नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, जय हिंद जय भारत।